उत्तराखंड में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में फिलहाल उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फैसला होली के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। हरिद्वार के संतों ने भी मुख्यमंत्री को लेकर अपने अपने विचार रखे। कुछ संतों ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने की मांग रखी। कुछ संतों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सीएम बनाने की मांग की है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है जो धामी जी है, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसके ऊपर पूरे प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जब एक पिता होता है ना, वो अपने बच्चे का ख्याल रखने में अपना ख्याल रखना भूल जाता है। तो धामी जी की वो ही राय है, उन्होंने पूरे प्रदेश का ख्याल रखा लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल रखना भूल गए। तो यही उनके कारण का एक उनके हार का कारण बना। पर मुझे बहुत दुख है उनका, उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही अच्छा है, तो वो पुनः मुख्यमंत्री बने। राज्य में नए मुख्यमंत्री के सवाल पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए ये पार्टी का अपना विषय है। उन्होंने कहा, जब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो केवल उनकी हार मात्र से उन्हें रिजेक्ट करना सही नहीं होगा। उनके हार जाने का सीधा मतलब ये है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मेहनत की है, इसलिए वो अपनी विधानसभा पर ध्यान नहीं दे पाए। पुष्कर सिंह धामी ऊर्जावान युवा है, पार्टी को चाहिए कि उन्हें एक बार फिर मौका दे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जब आपकी पार्टी जीत रही है तो केवल उनके विधानसभा क्षेत्र में केवल उनके हार जाने मात्र से उनको कैसे रिजेक्ट कर किया जा सकता है। उनके हार जाने का तो सीधा मतलब यह है कि वो पूरे प्रदेश में ध्यान दे रहे थे, अपने स्वयं की विधानसभा क्षेत्र में कम ध्यान दे रहे थे। जिस व्यक्ति ने अपनी परवाह नहीं की, अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रदेश भर में काम करता रहा, उस व्यक्ति को केवल अपने क्षेत्र में हार जाने मात्र से रिजेक्ट कर देना, हमको तो ठीक नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि धामी जी अभी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर फिर से आपको बहुमत मिला है, इसलिए धामी जी को ही मौका देना चाहिए। 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से फिर से लड़ करके वो सदन के सदस्य हो ही जाएंगे। वहीं शंकराचार्य परिषद के सह संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप का कहना कि राज्य को हमेशा से ही ठाकुर मुख्यमंत्री मिलता रहा है, अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री को भी मौका देना चाहिए, जिसमें मदन कौशिक का पूरा अधिकार है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम पद पर रहते हुए अच्छा काम किया, लेकिन अब जब हार गए तो पहला हक मदन कौशिक का ही बनता है। स्वामी लोकेश दास ने भी पुष्कर सिंह धामी को समर्थन देते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल में काफी कार्य किए, जिसके लिए उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने से कल फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कई बार यहाँ राजपूत मुख्यमंत्री रहा है, एक बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी हो जाए ऐसा प्रार्थना करिए भगवान से, माँ गंगा से और अपने स्रोतों से भी। और मुझे भी लगता है कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति 5 बार चाहे वो किसी भी तरह से जीता है, ट्रेमेंडस उसकी विक्ट्री है, तो मदन कौशिक के नाम पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो जो काम किया है उन्होंने, और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो इन दोनों नाम पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए मदन कौशिक के नाम पर विचार करना चाहिए और मदन कौशिक को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत दिनों से बड़े बड़े पद पे रहे, उन्होंने बहुत काम किया हरिद्वार के लिए, कुछ उनसे भी गलतियां हुई होंगी, उस गलती को हम लोग ठीक करेंगे। जनता जब जगती है तो ठीक कर देती है, जो थोड़ी बहुत शिकायतें उनकी आ रही हैं, उस शिकायत को संत समाज मिल करके उनसे कह करके उसको दूर करने का काम करेगा। आपको बता दें कि बीते 10 मार्च को आए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को बम्पर मैंडेट मिला। बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें हासिल हुई। हालांकि बीजेपी के लिए ये झटके की बात रही कि सीएम पद के दावेदार पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए। कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही नवनिर्वाचित विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, बैठक में विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।